रही हो यहीं पे? कि अब यहाँ पे खाली कर दी? हाँ, अरे यहीं रह गया। अच्छा, और सब ठीक है ना वहाँ पर? अरे वो गुड़िया जो लड़की नहीं थी जो उसका रिमांड हो गया? गुड़िया थोड़े है अभी, काजल है ना, तो मैम को न्यूज आया है कि काजल थी। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम मामले में एक वीडियो के बाद अब एक ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो पटना हाई कोर्ट की वकील मीनू कुमारी और रिमांड होम में रह चुकी पटना जिले की ही एक लड़की के बीच बातचीत का है। रिपब्लिकन न्यूज के हाथ लगे इस ऑडियो में महिला वकील को एक लड़की बता रही है कि वीडियो के जरिए जिस लड़की ने गायघाट रिमांड होम की पोल खोली है वह पूरी तरह सही है। वहाँ के सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। लड़की ने बताया कि वंदना लड़कियों को जबरन दवा खिलवाती है, बाहर के लड़कों को भी बुलवाती है, वहाँ रह रही लड़कियों को लड़कों के साथ गलत काम करने के लिए कहा जाता है। इस आरोप में पूरा दम है। आप भी सुनिए ऑडियो और वंदना गुप्ता के करतूतों की कहानी को समझिए। और सब ठीक है ना वहाँ पर? अरे वो गुड़िया जो लड़की नहीं थी जो उसका रिमांड हो गया? गुड़िया थोड़े है अभी, काजल है ना, तो मैम को नहीं आया है कि काजल थी। काजल काजल लेकिन काजल बयान नहीं दी है, गुड़िया दे रही है। गुड़िया अच्छा, काजल बयान नहीं दी है, गुड़िया दे रही है। हाँ, और काजल वही रहती है भूतनाथ में, उसकी माँ भी है काजल? नहीं कोई, सबके माँ बाप नहीं है, सब सब फालतू वंदना गुप्ता किसका किसका क्या क्या बनाई। मैं जानती हूँ, पूरा बताई वो कि वंदना गुप्ता कैसे उसको इंजेक्शन दे दे करके ये सब करवाती थी, ये सब करती थी। और सही बात था, टोटल सही बात है, सबको बताया ही, हमको कहाँ भेजा गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, टोटल चीज आपको बताया है। तुमको भेजा गया था? हमको मुजफ्फरपुर भेजा गया था ना, रंजन को मुजफ्फरपुर से लाया गया था ना। तुमको मुजफ्फरपुर क्यों भेजा गया था? मतलब यहाँ से जैसे मतलब मेरा एज हो चुका था, हाँ। उसका तो रखने का कोई ये था नहीं, मेरा रिलीज भी हो गया था, हाँ। तो किसी भी आप मतलब कोई भी इंसान जब 18 साल का हो गया था आप उसको रख नहीं सकते है ना, हाँ। रखने का मतलब बेवजह रखना, ऊपर से 6 महीना हमको रखी थी वहाँ। अच्छा। तो रिलीज होने के बाद किसी का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं उस होटल से रिलीज हूँ कहीं भी जा सकता, इसलिए हमको रखी थी। तो वहाँ पूरा एकदम तोड़ फोड़ किए थे ना, तब जाकर के फिर वो लास्ट एक्शन नहीं किया हमको मुजफ्फरपुर भेजी जॉब के लिए। अच्छा, जॉब के लिए हमको वहाँ जगह सही नहीं लगा, हम लंदन को टोटल चीज बताई क्योंकि हम तो फोन शुरू से रख रहे थे। तो गुड़िया जो भी बात बोल रही हो तो सही बोल रही है कि वो टैबलेट देती है, रात में लड़का बुलवाती है और सेक्स करवाती है, यानी कि सही है? टोटल चीज सही है ना, क्योंकि आपको एक चीज पता है, जब वो आई थी शुरू शुरू में तो ये चीज एक बार हुआ था पूरा एकदम, जो हंगामा जो हुआ था याद है, जो पूरा मतलब गुप्ता जी आई थी तो ऐसा ऐसा करवाई थी लड़का लोग, कुछ लड़का को अंदर करवाई थी वो, लेकिन सारा लड़की उसके तुरंत वैसा एक्शन ली कि वो कुछ कर नहीं सके, जो जो हैवी हैवी लड़की थी ना वहाँ पे सबको वो निकाल दी है। और पता है डीएम बयान लिया है इसका कि क्या बोलते हैं, तो वो बोली कि नहीं यही लड़की लोग बदमाश करती है, हमसे आपकी रंजिश में मेरा नाम ले लेती है और ना यहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं होता है, तो उसका पति से हम खाली ये हैंडओवर किए हैं, तो इस तरीके से ना वो अपने बचाव में बहुत सारा बात बोले। लेकिन ये लड़की बोली कि नहीं वो क्यों, मतलब कि लड़का तो घुसाई है और लड़का को रात में घुसाती है और ना हम लोग से फिर ना टैबलेट दे करके हम लोग से करवाते हैं, फिर सुबह में लोग का हाथ पैर दर्द होता है तो हम लोग को लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो वैसे ये सब वो लड़का घुसाई थी जब रात में ये क्या नाम है इसका वंदना गुप्ता, तो उस समय मतलब कि तुम लोग पूरा रजिस्टर किए थे? हाँ, हम लोग तो पूरा हंगामा किए थे ना उस टाइम। के बाप रे बाप, तो हमको अच्छा, हम लोग तो पूरा हंगामा किए थे, पूरा रिमांड उनका पूरा एकदम एजेड थी, जितना अच्छे से तोड़ा फोड़ा गया था, पूरा मीडिया उड़िया सब आया था ना उस टाइम। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।